आज हम बनाएंगे गुड़ आटे की पापड़ी। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, जबरदस्त स्वाद और एकदम बिस्किट जैसी कुरकुरी, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये आधा कप गुड़ तोड़कर ले लिया है और आधा कप पानी, आधा कप गुड़ है, आधा ही कप पानी डाला है, फ्लेम ऑन। और अब इस गुड़ को पानी में घुलने तक कुक होने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिए। गुड़ पानी में घुल गया, अब फ्लेम बंद कर दीजिए। ये हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। गुड़ का घोल ठंडा हो गया, अब इसे छान लेते हैं। घोल बना रहे हैं तो उसे छानिए जरूर, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। 2 कप गेहूं का आटा, वजन में 300 ग्राम। इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी मोयन के लिए डाल रहे हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का मोयन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और 2 टेबल स्पून तेल। तो इन सबको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। आप इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा घोल डालकर डो बनाइए। डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसा पूरी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही बनाना है। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच से आधा नमक लिया है। नमक डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, तो जो मिठास है वो ज़्यादा नहीं लगती और इससे टेस्ट एनहेंस हो जाता है। गुड़ का पानी मैंने सारा यूज कर लिया, लेकिन अभी ये डो मुझे थोड़ा सख्त लग रहा है, तो हम 1-2 चम्मच सादा पानी डालेंगे। और गुड़ के पानी के बाद में इसमें मैंने 6 चम्मच पानी का यूज़ और किया है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लिया, इसे थोड़ा सा मसलते हैं। ये हमारा डो बनके तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसका डो बनाने के लिए हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 100 ग्राम गुड़ डाला है। अगर आपको मीठा कम पसंद हो थोड़ा सा गुड़ कम कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 125 ग्राम कर दीजिए। इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गुड़ डाल दिया तो ये तलते समय फट सकती हैं। 15 मिनट के बाद ये डो सेट होकर तैयार है। थोड़ा सा हाथ पर घी लेंगे और इसे थोड़ा सा मस लेंगे। डो तैयार हो गया, अब पापड़ी बेलना शुरू करेंगे। ये बोर्ड ले लिया। डो को पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसे मैं ढककर रख दूंगी। 1 पार्ट हमने ले लिया, इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पर घी लगाएंगे और थोड़ा सा बेलन के ऊपर भी, क्योंकि जो मीठा डो है वो चिपकता है। बड़ी आसानी से बेला जा रहा है ये, तो थोड़ा सा मोटा ही बेलना है इसे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। 1 रोटी के बराबर बेल लिया है, लगभग 8 इंच की चौड़ाई में। और ये 1 गिलास, कटोरी भी ले सकते हैं, डब्बा भी ले सकते हैं। इससे मैं पापड़ी काट लेती हूँ। गिलास से काटने पर ये बराबर की बनेंगी और किनारे भी इनके शार्प आएंगे। और जो एक्स्ट्रा डो है वो हम उठा लेंगे, इसे भी प्याले में ढककर रखेंगे। ये जो पापड़ी है ये थोड़ी सी मोटी है, इन्हें हम थोड़ा सा और बेलेंगे, पतला करेंगे। एक एक उठा लेते हैं और थोड़ा सा बेलते हैं। इन्हें थोड़ा पतली बनाएं तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, अच्छी लगती हैं। मैंने थोड़ा सा ही बेला है, यानी पहले ये इतनी बड़ी थी, इतना सा इसे बढ़ा लिया। अब इसे फॉर्क से प्रिक कर देते हैं ताकि ये फूले ना। ये देखिए, इस तरह का मैंने इसे बना लिया। थिकनेस पूरी जैसी है, जैसी पूरी बेलते हैं। इसे कपड़े के ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। और सारी पापड़ी को इसी तरीके से बेल कर और प्रिक करके तैयार करेंगे। ये जो कटिंग निकलती गई वो हमने इकट्ठी कर ली, अब इसको थोड़ा सा मसलना पड़ेगा। इस तरीके से गोल कर ले, और बेलना तो उसी तरीके से है, लेकिन इसके किनारे थोड़े से ज़्यादा फटते हैं। देखिए, जैसे ये फटने लग जाते हैं तो इन्हें आप इस तरीके से जोड़ दीजिए। अब जैसे पहले बेला था वैसे ही इसे बेल कर तैयार कर लिया। ये सारी पापड़ी हमने बेल कर तैयार कर ली। अब इन्हें कपड़े पर ही 1/2 घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ दीजिए। ये हल्की सी खुश्क हो जाएंगी, तब इन्हें तलेंगे। पंखे की हवा में इन्हें 15 मिनट रख दिया, ऊपर से हल्की सी खुश्क हो गई हैं। हाथ लगा के देखेंगे एकदम ड्राई ड्राई लग रही हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। सारी पापड़ी को पलट दीजिए
और इन्हें आप 15 मिनट की हवा और लगने दीजिए। इन्हें पंखे की हवा में सुखाते हुए आधा घंटा हो गया है और ये देखिए बिल्कुल हल्की सी ड्राई ड्राई सी हो गई हैं। तो इन्हें अब हम तल सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा देर छोड़ना चाहते हैं, घंटे भर के लिए, दो घंटे के लिए, तो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा इन्हें पंखे की हवा में ज़रूर छोड़िए। यहाँ कढ़ाई में हमने आधा घी आधा ऑयल मिलाकर गरम करने रख दिया है। फ्लेम ऑन कर देते हैं, धीमी फ्लेम पर इसे गरम होने देते हैं। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल देते हैं और इसमें बबल आ रहे हैं। हमें ये पापड़ी तलने के लिए मीडियम गरम ऑयल चाहिए और फ्लेम लो मीडियम, यानी कि धीमी फ्लेम रखें पहले, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो तेज कर लेंगे। अब जो पहले बनी है उन्हें पहले तलेंगे। मैंने इन्हें तलने के लिए आधा घी और आधा ऑयल लिया है। इसमें ये पापड़ी तली जाएंगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे घी में तली हुई है। आप चाहें तो पूरा घी भी ले सकते हैं इन्हें तलने के लिए, और अगर आप चाहें तो पूरा ऑयल भी ले सकते हैं इन्हें। और अब इन्हें 2 मिनट सिकने देंगे। ये तैर कर आने लगी है, लेकिन अभी जल्दी से नहीं पलटना है। ये हल्की हल्की नीचे की ओर से सिक गई, इन्हें पलट लेते हैं। बहुत ही कम सिकी हैं अभी। अब इन्हें इसी तरीके से अलटते पलटते दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फ्लेम लो मीडियम, तेज फ्लेम पर बिल्कुल नहीं तलना। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत ही सुंदर कलर आ गया इनके ऊपर, सिक चुकी हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को कढ़ाई के किनारे जरूर रोकिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। सारी पापड़ी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। इन्हें तलते हुए थोड़ा सा घी ज़्यादा गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और फिर डालिए पापड़ी तलने के लिए। अगर आपने इन्हें ज़्यादा गर्म घी में डाला तो ये जल्दी से सिक जाएंगी, करारी नहीं बनेंगी। इन्हें तलने के बाद जब आप प्लेट में रख रहे हैं तो थोड़ा खोल कर रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होती है। इस तरीके से खोल के रख देंगे, ये ठंडी हो जाएंगी। पापड़ी का लास्ट बैच भी सेक कर तैयार कर लिया। एक बैच को तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं और इतने डोसे हमने 34 पापड़ी बनाकर तैयार किए हैं। आटा गुड़ की पापड़ी बनकर तैयार है। इन्हें आप आटे गुड़ की मठरी भी बोल सकते हैं। और ये इतनी कुरकुरी बनी है, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। बनाने का तरीका आपने देखा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और 1 महीने तक खाते रहिए। चाहे आप इन्हें हल्की फुल्की भूख में खाएं या फिर चाय के साथ स्नैक्स के रूप में, आपको हमेशा पसंद आएंगे। तो आप इन्हें बनाइए और बताइए कैसी लगी, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।